अगली बड़ी खबर भी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी राकेश पिंजवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई नामी कंपनियों के ऑयल तैयार करता था आरोपी, वहीं असली बताकर गुणवत्ताहीन ऑयल की कर रहा था बिक्री। पुलिस ने आरोपी से 4,83,000 का माल किया जब्त। वहीं खमतराई थाना के कॉपीराइट एक्ट के तहत यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, राकेश पिंजवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये है कि यहां पर असली बताकर गुणवत्ताहीन ऑयल की यहां पर उपयोगिता जो है वो कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी से 4,00,000 से ज्यादा का माल भी जब्त किया है। खमतराई थाना में कॉपीराइट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। कई नामी कंपनियों, एक नहीं बल्कि कई नामी कंपनियों के ऑयल तैयार करता था आरोपी, जिसके बाद लगातार यहां पर शिकंजा कसा जा रहा था। आखिरकार यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 4,00,000 से ज्यादा का माल भी जब्त कर लिया है। गुणवत्ता विहीन जिस तरीके से यहां पर ऑयल है वो यहां पर बताया जा रहा था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह यहां पे धड़ल्ले से नकली ऑयल बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते यहां पर अब पुलिस ने शिकंजा कसा है, जहां आरोपी राकेश पिंजवानी को गिरफ्तार कर लिया है। नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में, असली बताकर गुणवत्ताहीन ऑयल को यहां बेचने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 4,83,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। खमतराई थाना में कॉपीराइट एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस फिलहाल यहां एक्ट के तहत कार्रवाई करने में जुट गई है। लंबे समय से इसके खिलाफ यहां पर मामला भी दर्ज हो रहा था, जिसके चलते आखिरकार पुलिस ने यहां पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में, आरोपी राकेश पिंजवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई नामी कंपनियों के ऑयल करता था तैयार और बताता था असली, जी हां असली बताकर गुणवत्ता विहीन ऑयल की बिक्री कर रहा था। धड़ल्ले से यहां पर इस ऑयल को बेचा जा रहा था, लेकिन यहां पर जो तमाम ग्राहक है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहां ये जो ऑयल है वो नकली है। आखिरकार यहां पर जब उसकी उपयोगिता, यानी कि उपयोग में जब ये ऑयल लाया गया, उसके बाद ये जानकारी मिली और शिकायत के आधार पर यहां पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से देखा जा रहा है नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने खुद वहां जाकर इस तरीके से जांच पड़ताल कर यहां पर मामला सामने आ रहा है? जी बता दें, जिस तरीके से काफी लंबे समय से खमतराई क्षेत्र में यह कारोबार है चलता आ रहा था, इसकी शिकायत लगातार स्थानीय निवासियों के द्वारा की गई थी, लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की मिली भगत से पूरे जो मामला है वो चलाया जा रहा था, ऐसा शंका लगाया जा रहा है, इसी कारण कार्रवाई जो है हो नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इलाके में स्थानीय निवासियों के द्वारा जब इस पर हल्ला मचाया गया, जब इसका विरोध किया गया, तब आनंद खान ने पुलिस को इस पे तमाम जो फैक्ट्री संचालक है उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, दबिश देनी पड़ी। दबिश देने के बाद गुणवत्ताहीन इंजन ऑयल को 4.5-5 लाख रुपए के आसपास का माल को जब्त किया गया। साथ ही जो आरोपी राकेश पिंजवानी को गिरफ्तार कर खमतराई में कॉपीराइट एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और भी इनसे लगातार पूछताछ की गई। यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी की इसके पहले भी इसी मामले पर और भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लंबी सांठगांठ के चलते यह जो मामला है फिर से एक बार पनपने लगा था और इस बार फिर से एक बार कार्रवाई हुई है। लेकिन महज पुलिस के द्वारा कॉपीराइट एक्ट के तहत ही कार्रवाई किया गया और कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ नहीं किया गया। बिल्कुल, ये मुद्दा तो उठ के आ ही रहा है हिमांशु की, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खाद्य विभाग को यहाँ पर छापा मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस ने जिस तरीके से दस्तक दी है कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगते कि वाकई में कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी या फिर संरक्षण प्राप्त होगा इस आरोपी को। यही एक कारण है कि इतने लंबे समय बाद इस पर कार्रवाई की गई, जो पहले ही हो जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर इसके पहले भी आरोपी के खिलाफ यही कॉपीराइट की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज फिर से यह नौबत आन पड़ी है कि यह जो काला कारोबार है फिर से पनपने लगा था। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जो पुलिस है और जो खाद्य विभाग के अधिकारी है उनको पहले से यह संज्ञान में था, बात की जानकारी उनको पहले की, लेकिन जानकारी रहने के बावजूद पुलिस या खाद्य विभाग के जो अफसर है अधिकारी है इस पर कार्रवाई अब तक नहीं किए थे। लेकिन आनंद फान में जो आसपास के जो स्थानीय निवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस है
वो मौके पर पहुंची है, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे और खाद्य विभाग के अधिकारी के संज्ञान में रहते हुए भी यह कार्रवाई नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नकली इंजन ऑयल बनाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। आरोपी राकेश पिंजवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई नामी कंपनियों के ऑयल तैयार करता था आरोपी, वहीं असली बताकर गुणवत्ता विहीन ऑयल की कर रहा था बिक्री। पुलिस ने यहां आरोपी के पास से 483,000 का माल भी जब्त कर लिया।